इतना काम हम कर रहे थे, अब कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। राजनीति के बारे में कहावत मशहूर है कि यहाँ ऊंट कब किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं कह सकता। बिहार पर कहावत और ज्यादा फिट बैठती है। नीतीश कुमार की पलटी मार राजनीति ने एक बार फिर इस कहावत को चरितार्थ कर दिया। इस वक्त बीजेपी और जेडीयू को फील गुड हो रहा है, मगर कुछ घंटे पहले तक सत्ता का सुख भोग रहे लालू परिवार को इस घटनाक्रम से दोहरा झटका लगा। पहला ये कि एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद लालू यादव बिहार में अपनी सत्ता को नहीं बचा सके, और दूसरा लैंड फॉर जॉब मामले में राउत जेवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव को समन भेज दिया। यानी पहले सत्ता गई और अब सलाखों के पीछे जाने की आशंका बढ़ गई। नीतीश कुमार के इस्तीफे सौंपने से कुछ ही घंटे पहले लालू परिवार के लिए ये बुरी खबर आई। पिछले कुछ दिनों से लालू परिवार नीतीश की यूटर्न वाली राजनीति से अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस राजनीतिक उठापटक के बीच एक बड़ी मुसीबत उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। दिल्ली की राउत जेवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को समन जारी करते हुए 9 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया। बड़े लोग हैं इस पटना के अंदर, कौन ईडी कब गया, जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा, ये बात आज की नहीं है, ये बरसों बरस का है, लाखों बरस से है, जब से सृष्टि है तब से है, इसलिए भुगतना तो पड़ेगा ही। लालू परिवार के अलावा इस मामले में बाकी आरोपियों को भी नोटिस भेजे गए हैं। ईडी की इस चार्जशीट में कुल 7 लोगों को आरोपित बनाया गया। इनमें लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के अलावा उनकी 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव का नाम भी शामिल है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी हृदयानंद चौधरी और कारोबारी अमित कात्याल को भी समन भेजा गया। 2 कंपनियां AK इंफोसिस्टम और AP एक्सपोर्ट को भी राउत एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया। नौकरी के बदले में जमीन लेने की आदत में सुमार रहा है, तो इस बार तो मौका नीतीश कुमार जी दिए नहीं। राजस्व विभाग के पदस्थापन में गड़बड़ी, नीतीश कुमार जी ने कहा ये गड़बड़ी की इजाजत नहीं। खनन भूतत्व विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा था, तो ये सारे चीजों को दृष्टिगत रखते हुए और इंडिया गठबंधन के में जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता के अभाव के चलते हम लोगों ने ये निर्णय लिया। आपको आगे की कहानी बताएं उससे पहले एक बार ये समझ लीजिए कि आखिर ये लैंड फॉर जॉब घोटाला है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई। दरअसल CBI का आरोप है कि 2004 से 2009 तक जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उस दौरान लैंड फॉर जॉब स्कैम किया गया। आरोप है कि इस दौरान लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई गई। ये जमीन रेलवे में नौकरी दिलवाने के बदले लोगों से कौड़ियों के दाम पर ली गई और नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई। आरोप है कि लालू परिवार ने बिहार में 1,00,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन सिर्फ 26,00,000 रुपए में हासिल की, जबकि उस समय के सर्कल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए थी। और इतना ही नहीं, इन जमीनों का पैसा भुगतान कैश में किया गया ताकि घोटाले में किसी तरह के सबूत न मिले। अपने रोजगार की चिंता की और बिहार के युवाओं को हमेशा बेरोजगार रखा, परिवार से बाहर किसी को रोजगार देने की चिंता की है क्या? पार्टी में भी तो रोजगार केवल परिवार के लिए सीमित किया, वो क्या बोलेंगे कुछ और। शुरुआत में CBI ने इस मामले की जांच की, लेकिन बाद में ईडी ने इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ दिया। लैंड फॉर जॉब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होने के बाद ईडी जांच में जुट गई। बारीकी से दस्तावेजों को खंगाला गया और इस मामले में लंबी पड़ताल के बाद ईडी ने चार्जशीट फाइल की, जिसमें लालू परिवार से राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया। ईडी की 4,751 पन्नों की चार्जशीट में लालू परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए गए। ध्यान से देखिए कि आखिर ईडी ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को किन आरोपों में नोटिस दिया। राबड़ी देवी पर घोटाले में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है। ईडी के मुताबिक राबड़ी देवी ने घोटाले के पैसों से शेल कंपनियों के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी, फिर उस प्रॉपर्टी से जुटाया गया घोटाले का पैसा तेजस्वी यादव को दिया।
इसी पैसे से तेजस्वी ने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदा। यह वही बंगला है जो कारोबारी अमित कात्याल से खरीदा गया था। यानी ईडी मानती है कि राबड़ी देवी को इस घोटाले की पूरी जानकारी थी और सब कुछ जानते हुए भी वो इसका हिस्सा बनी। अब मीसा भारती पर लगे आरोपों के बारे में भी जान लीजिए। मीसा भारती पर ईडी का आरोप है कि उन्होंने अपने पिता लालू यादव के साथ मिलकर घोटाला किया। इसके अलावा उन्होंने जमीनों के अधिग्रहण और कब्जे से जुड़ी जानकारियां छुपाई और अपनी आय छिपाने की कोशिश भी की। साथ ही ईडी को मीसा भारती के खिलाफ सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के भी सबूत मिले। लालू परिवार से इस घोटाले में शामिल तीसरा किरदार है लालू यादव की बेटी हेमा यादव। हेमा यादव के खिलाफ भी ईडी ने काफी गंभीर आरोप लगाए। ईडी का आरोप है कि हेमा यादव ने अपने रिश्तेदारों से घोटाले की जमीन गिफ्ट के तौर पर ली। उन्हें इस घोटाले की पूरी जानकारी थी और सब कुछ जानते हुए भी वो इसमें शामिल हुई। उन्होंने घोटाले की जमीनों को अपने परिवार के सदस्यों और शेल कंपनियों को ट्रांसफर किया। हेमा यादव के खिलाफ भी ईडी को सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के सबूत मिले। अब इन तीनों को 9 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि उसके पास संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है। एक और अहम बात यह है कि इस मामले में 29 जनवरी को लालू यादव और 30 जनवरी को तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली ऑफिस में बुलाया है, जिसका मतलब ये है कि लालू परिवार की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। बिहार की सत्ता से बेदखल होने के बाद लालू फैमिली और मुसीबतों में घिर सकती है। चारा घोटाले में जमानत काट रहे लालू यादव के लिए लैंड फॉर जॉब मामला गले की हड्डी बनता जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू फैमिली लंबे वक्त से इस मामले के घेरे में है। इस मामले में अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी की गिरफ्तारी हो चुकी है, मगर इसके अलावा और भी कई किरदार लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़े हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ और परत दर परत कैसे ये मामला लालू परिवार के सुप्रीमो तक पहुंचा। 18 मई 2022 को सीबीआई ने इस मामले में 16 नामजद आरोपियों समेत अन्य पर केस दर्ज किया। 20 मई 2022 को बिहार और दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। फिर 27 जुलाई 2022 लालू यादव के करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी हुई। 24 अगस्त 2022 को दिल्ली, बिहार, गुरुग्राम में आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की गई। लंबी पड़ताल के बाद 13 जनवरी 2023 सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी मिली। फिर 6 मार्च 2023 को पटना में सीबीआई की टीम ने राबड़ी देवी से पूछताछ की। 7 मार्च 2023 को सीबीआई ने लालू यादव से पूछताछ की। 10 मार्च 2023 को सीबीआई ने दिल्ली, बिहार, यूपी में आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। 15 मार्च 2023 लालू और राबड़ी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और 10 सितंबर 2023 को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई के बाद इस केस में ईडी की एंट्री हुई। उस ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया। चार्जशीट में कारोबारी अमित कात्याल का नाम भी आरोपित के तौर पर जुड़ा। अमित कात्याल पर लालू यादव की मदद करने का आरोप है। साथ ही ईडी का आरोप है कि 2006-07 में अमित कात्याल ने एके इंफोसिस नाम की कंपनी बनाई। इस कंपनी को आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ बताया, लेकिन कंपनी ने आईटी सेक्टर में काम नहीं किया बल्कि कई जमीनें खरीदी, जिनमें से एक लैंड फॉर जॉब वाली जमीन थी। वहीं केस में एक और अहम आरोपी है हृदयानंद चौधरी। हृदयानंद चौधरी पर आरोप है कि उसने खुद को एक दानकर्ता के तौर पर पेश किया, मगर जांच में दावा गलत पाया गया। लैंड फॉर जॉब मामले को एक लाइन में समझना हो तो ऐसे समझिए, लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी दिलवाने के लिए कुछ लोगों से जमीनें ली थीं। इस मामले की जांच की गई तो एक बड़ा घोटाला सामने आया। ये मामला 14 साल पुराना है, मगर आने वाले दिनों में ये लालू परिवार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।